स्टीव स्मिथ, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, महिपाल लोमरोर, जयदेव उनादकट, अजिंक्य रहाणे, भैया राजस्थान रॉयल्स को क्या ऑलरेडी दे दें आईपीएल? हैशटैग आकाशवाणी और इस पे करने वाले हम आज बात। आकाश जी हमारा तारुफ तो करा दीजिए। लीजिए आ गए हैं हैशटैग आकाश। आकाश मिस वाणी भी यहाँ पर है। नमस्कार। तो अब मिस वाणी जी भी आपके साथ जुड़ी रहेंगी, तो मैं जरा बात कर लूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहानी हम ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ खिलाड़ियों की फॉर्म ऐसी है जो फॉर्म देखते ही बनती है, और हम ये पूरी राजस्थान रॉयल्स की टीम की हम कर रहे हैं बात। यहाँ पर स्टीव स्मिथ की बात कर लें, खैर इनके तो मैं जरा एक बार आपको आंकड़े दिखाता हूँ। ये हैं इनके एशेज के आंकड़े, आई मीन अनस्टॉपेबल स्मिथ। इनको रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। जो लोएस्ट टोटल बनाया वो शायद 82 है इनका, और लगातार ये रन बनाए जा रहे हैं। हम बात करें बेन स्टोक्स की, बेन स्टोक्स का प्रदर्शन देखिए, क्या प्रदर्शन है इनका। वो कुछ इंग्लैंड में तो लोग कह रहे हैं कि इनिंग्स ऑफ द सेंचुरी खेल गए हैं। जो उन्होंने हेडिंगली में टेस्ट मैच जिताया, अच्छा खेले, लॉर्ड्स में भी शतक था भाई, रन ये बना रहे हैं, विकेट ये चटका रहे हैं। जोफ्रा आर्चर इनकी भी खैर बात ही अलग है, कह रहे हैं इनके भी तर्कश में बहुत सारे तीर। लेट्स कम होम तो हम उसमें बात करेंगे। हम अजिंक्य रहाणे, जबरदस्त टेस्ट सीरीज इनकी रही। जयदेव उनादकट भैया, इन्होंने भी आग लगा रखी। अगर आप दिलीप ट्रॉफी की बात करें, आप महिपाल लोमरोर की बात कर लें, दिलीप ट्रॉफी में इन्होंने भी रन बनाए हैं। कृष्णप्पा गौतम, बस अभी वो केपीएल हुआ था ना, उसके अंदर इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या इनकी टीम है, अगर ऊपर से नीचे तक हम देख रहे हैं, एक से एक बढ़िया खिलाड़ी, एक से एक बढ़िया फॉर्म में है। तो मिस वाणी ये जो टीम है ना, नहीं आपकी बात मैं पूरी सुन चुकी हूँ, लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आई कि आप कह रहे टेस्ट के बेसिस पे इनको T20 का ट्रॉफी दे दे, आप कह क्या रहे हैं आकाश? ये जो बात किया ना इन्होंने, ये थोड़ा सा कमाल कर दिया इन्होंने। बात तो ठीक कह रही हैं, गलत तो है नहीं। तो वाणी की बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा दिल तो सोचिए। मतलब राजस्थान से मैं खेला, राजस्थान से मेरा ताल्लुकात है, और मैं चाहता हूं कि राजस्थान जीते। देखिए 2008 में भी सबने कहा था ना कि ये टीम जीत नहीं सकती, लेकिन अब तो थोड़ा माहौल बदलने लगा है, चीजें बदलने लगी, हवाएं बदलती हैं भैया। देखो टीम इनकी खराब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वैसे टीम देखे, श्रेयस गोपाल पिछली बार थे, वो भी अच्छा खेले थे, और सुनने में आया है कि इनके पास और क्रिकेटर्स भी अब ये हायर करेंगे, टीम को और बेहतर करेंगे, और फॉर्म होती है भाई। मान लिया लाल गेंद सफेद गेंद अंतर है, मान लिया वाणी जी अंतर है, लेकिन सच्चाई ये भी तो है कि खेल तो खेल ही है ना, वही बॉल होती है, वही बैट होता है, वही बॉलर वही बैट्समैन। अगर इतने सारे खिलाड़ी इतनी अच्छी फॉर्म में हो, तो फिर ये जो क्वालिटी खिलाड़ी होते हैं ना, ये फॉर्म को तब्दील कर दें एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, वो ज्यादा समय लगता नहीं। तो मेरे विचार में राजस्थान रॉयल्स विल स्टार्ट एज वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द आईपीएल, तो मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो वैसे आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हुई हूं आपकी बात से। पहली बार इन्होंने यहाँ कदम रखे हैं आकाशवाणी में, तो वाणी जी की कहानी कुछ अलग है। एनी हाउ मुझे लगता है कि थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए आपको। अब आपको क्या लगता है, जरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा भी दीजिए, और अगर मिस वाणी जी के लिए अगर आप कोई मैसेज भी छोड़ना चाहते हैं ना, दे दीजिए, बता देंगे इनको। आपके लिए भी मैसेज आएंगे ना, हम आपको बता देंगे, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी।